लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शहर के सिविल अस्पताल में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला प्रधान वरुण बिक्की व भाजपा पंजाब कार्यकारिणी सदस्य तथा महाजन युवा विंग के अध्यक्ष संजू महाजन के सहयोग से सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा व जिला प्रधान वरुण बिक्की सहित जिला प्रधान विपिन महाजन, उपाध्यक्ष बख्शी सिंह, सचिव पंजाब मनदीप अरोड़ा, मीडिया इंचार्ज पंजाब शनी सरोज सहित संघ संचालक राजकुमार विशेष रूप से उपस्थित हुए। मौके पर समूह सदस्यों की ओर से उनका स्वागत हार पहनाकर किया गया। इस दौरान जिला पठानकोट से उपस्थित हुए भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने 25 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया और भविष्य में भी इस तरह का रक्तदान कैंप लगाने की बातें कही। जिला प्रधान वरुण बिक्की व पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि रक्तदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कार्यक्रम के दौरान समूह युवाओं में रक्तदान करने को लेकर काफी उत्साह पाया जा रहा है, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में यही युवा एक बड़ा रोल अदा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी। मौके पर संजू महाजन ने समूह आए हुए सदस्यों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर अनेक उनके साथ भंवर सिंह, अंकुश महाजन, राजू एमसी, अंशु महाजन, सुरेश शर्मा, संजीव महाजन, जितेश महाजन, पारस, सुनील महाजन, अमरजीत महाजन, उमाशंकर, बिंदा सैनी, डॉक्टर संजय निशान, राहुल, पंकज, युवराज, राहुल, सुखवीर काटला, जसवीर जस्सा, रणवीर कुमार के अतिरिक्त ब्लड बैंक इंचार्ज श्रीमती राजबिंद कौर भी मौजूद थे। प्राप्त होया देश की आजादी प्राप्त हुई, उन्हें शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और उन्होंने याद करने का इस तो वधिया तरीका और कोई नहीं हो सकता। मैं युवा मोर्चा के जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष बिक्की जी, उन्होंने पूरी टीम, संजू जी और युवा मोर्चा के साढ़े उपाध्यक्ष बख्शीश जी, सचिव मनदीप जी और लोकल यूनिट के अध्यक्ष भंवर जी, उन्होंने पूरी टीम और देहाती युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सचिव सारी टीम को बधाई देना। और मैं लगता है कि ये शहीदों के प्रति जानकारी भी प्राप्त होती है और अपनी आज़ादी बरकरार रहे, अपना संविधान बरकरार रहे, गणतंत्र बरकरार रहे, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਪਰ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि जिहड़ा इन्होंने काम किया युवा मोर्चा ने, यह एक समाजिक काम है तो इनू अगे भी अहीं वधाउण की कोशिश करांगे और सारयां नूं मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक। जनपद पठानकोट से सूरज सैनी की रिपोर्ट।